दादी की पेंसिल की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का अपने दादी के साथ रहता था। उसका नाम रोहित था। एक दिन रोहित अपने कमरे में उदास बैठा था, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही खराब हुआ था। वह उदास था कि उसको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तभी रोहित की दादी कमरे में आती हैं और रोहित को एक सुंदर सी पेंसिल देती हैं। रोहित कहता है कि दादी माँ, मुझे ये पेंसिल मत दो, मेरा एग्ज़ाम तो बहुत ख़राब हुआ है, इसीलिए मुझे यह पेंसिल नहीं चाहिए। उसकी दादी कहती हैं, रोहित बेटा, यह पेंसिल भी एकदम तुम्हारी तरह है, यह पेंसिल तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। रोहित बड़ी हैरानी से बोला, वह कैसे दादी? उसकी दादी ने उसे समझाया, देखो जब यह पेंसिल को छीला जाता है तो इसे भी ऐसे ही दर्द होता है जैसे अभी तुमको हो रहा है, लेकिन पेंसिल छीलने के बाद पहले से भी साफ और अच्छी हो जाती है और उससे पहले से भी अच्छी लिखावट होती है। अब तुम भी आगे से बहुत मेहनत करोगे तो तुम भी पहले से ज़्यादा होशियार और अच्छे बनोगे। रोहित खुश होकर दादी की पेंसिल रख लेता है। पेंसिल जब तक छिलती नहीं है तब तक उससे अच्छी लिखाई नहीं की जा सकती। वैसे ही इंसान को भी अच्छा बनने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।